अपने पबजी वाले भारतीय प्रेमी के लिए चार बच्चों के साथ सरहद लांग कर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सीमा ने खुलासा किया है कि पहले उनका भारत नहीं बल्कि सचिन का पाकिस्तान आने का प्लान था, लेकिन सचिन के हाथ में कुछ ऐसा गुदा था जिसके चलते सीमा को अपना प्लान बदलना पड़ा। सचिन ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि वो पाकिस्तान जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, पासपोर्ट के लिए आवेदन भी किया जा चुका था, सबूत के तौर पर कागजात सचिन के घर पर ही हैं। लेकिन सचिन के हाथ पर गुदे एक शब्द ने उसे पाकिस्तान जाने से रोक दिया। दरअसल सचिन के हाथ पर ओम गुदा था। सीमा का कहना है कि अगर सचिन पाकिस्तान जाता और पकड़ा जाता तो उसके साथ बहुत बुरा होता, हो सकता है कि आज शायद वो दिखता तक नहीं। सीमा हैदर का कहना है कि वो सचिन से दिल से प्यार करती है, सचिन उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। सीमा ने यह भी दावा किया कि सचिन के प्यार में पड़ने के बाद वो अब तक दो बार करवा चौथ और नवरात्रि के व्रत भी रख चुकी है। इसी के साथ वो एक दफा पाकिस्तान में होली का त्योहार भी मना चुकी है। सीमा ने कहा, मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं बिना वीजा के भारत आई हूँ। मुझे किसी लैमलाइट में नहीं रहना, मैं परिवार के साथ हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू बन चुकी हूँ और जल्द ही भारतीय बन जाऊंगी। सीमा ने ये भी बताया कि वो बलूच कबीले से आती है जहाँ महिलाओं को बेपर्दा होने की छूट नहीं है। सीमा का कहना है कि भारत में महिलाओं की इज्जत होती है जबकि पाकिस्तान में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, और यही वजह है कि उन्हें भारत आकर बहुत अच्छा लग रहा है। गौरतलब है कि यूपीएटीएस की तरफ से एक बार फिर से सीमा हैदर और सचिन को पूछताछ के लिए ले जाया गया है।